शिक्षा महत्वपूर्ण हथियार है, छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए अभिप्सा तैयार है। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बच्चों, अभिप्सा आप लोगों के लिए क्या लेकर आया है। तो अभिप्सा बच्चों आप लोगों को बहुत ही मजेदार चीजें दिखाने के लिए लाया है, मजेदार तरीके से पढ़ाने के लिए आया है, यानी कि 2023 का जो बोर्ड एग्जाम है इसके सीरीज में हम आज बात करने वाले हैं। तो भाई मजेदार तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं देखते रहिए कि बोर्ड के एग्जाम्स के डेट आ चुके हैं और 10वीं और 12वीं मजेदार तरीके से आप बोर्ड की तैयारी कर रहे होगे और हाई प्रेशर में भी होगे और टेंशन में भी होगे, लेकिन आपको टेंशन लेने की तैयार बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ जुड़ करके बहुत ही कम समय में, आपके ज्यादा टाइम तो बचे ही नहीं हमें भी पता है, सिर्फ एक महीना बचा है और एक महीना में भी आप अभी भी हमारे साथ जुड़ करके आप अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स और 70 से ऊपर, जो आपके थ्योरी में 70 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो 70 से भी ऊपर लाएंगे। अभी मैं बात कर रही हूँ 12th की बात कर रही हूँ, हालांकि आपको 10वीं और 12वीं दोनों के एग्जाम्स की सीरीज मिलने वाले हैं यहाँ पर। तो आपको अगर साल भर आप नहीं पढ़े तो आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएगी बहुत ही कम समय में तैयारी करने को, वो देखते रहिए। तो आपको मिलेगा यहाँ पर सबसे पहले ब्लूप्रिंट, क्योंकि आज के लेक्चर में यहाँ पर होने वाले हैं ब्लूप्रिंट पे चर्चा, और ब्लूप्रिंट सबसे बड़ा आधार होता है किसी भी परीक्षा का। अगर आप ब्लूप्रिंट नहीं देखे हो तो आप आगे का चैप्टर किस तरीके से तैयारी करेंगे आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। तो सबसे पहला है यहाँ पर ब्लूप्रिंट आपको दिखाई देगा और उसके बाद आपको PYQ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखाई देंगे, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्या लिखना है आपको, कैसे आप डिटेल कर पाए किसी भी क्वेश्चन को, समझ पाए, एनालिसिस कर पाए, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। और हम देखेंगे चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे कि भाई किस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते जाते हैं उसको हम एनालिसिस करने वाले हैं। और यहाँ पर हम ये भी एनालिसिस करेंगे कि आपको पूरा नहीं पढ़ना, भाई बुक इतने सारे हैं आप एक महीने में पूरी बुक तो पढ़ नहीं सकते है ना। हम क्या करते हैं जब हम एग्जाम के टाइम होता है तो हम क्या करते हैं, ये भी पढ़ू वो भी पढ़ू ये भी पढ़ू वो भी, इस सबसे दुनिया भर की चीजों को दिमाग से पहले हटा दो, बस ये सोचो कि एक महीने में आपको कैसे स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करके कैसे अच्छे मार्क्स लाने हैं, बस इस चीज को आपको फोकस करना है, ठीक है। आपको माइंड मैप दिया जाएगा कि भाई एक चैप्टर के अंदर आपको किस किस टॉपिक से ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो माइंड मैप भी आपको पूरे चैप्टर्स वाइज मिलते जाएंगे यहाँ पर, आपको समरीज मिलने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ऐसे तो सभी को पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप 5 साल के क्वेश्चन को एनालिसिस करते तो आपको पता चल जाता है, लेकिन आने वाले क्या जरूरी है क्या कि वही 5 साल के क्वेश्चन आ जाए, ये जरूरी नहीं होता। तो हम यहाँ पर पूरे सब्जेक्ट का, मैं सिर्फ एक ही की बात नहीं करूंगी, हर हमारे यहाँ के टीचर्स जितने भी हैं अभिप्सा से जो जुड़े हुए हैं वो 10th, 9th, 10th, 11th, 12th, अभी तो सिर्फ 10th और 12th पे फोकस किया जा रहा है, आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर मिलते जाएंगे और आपको बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ने का हमारे साथ मौका मिलेगा। तो चलिए भाई आगे स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का है, जो कि मेरा नाम है छाया प्रतिभा खिलवाड़, आप लोगों की बायोलॉजी फैकल्टी, तो मेरे को तो आप लोग अच्छे से जानते ही होगे क्योंकि मैंने पिछला मेरा लेक्चर आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो ये हम आज सीरीज करने वाले हैं कक्षा 12वीं जीव विज्ञान CG बोर्ड का एग्जाम सीरीज है, तो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो हम इसमें का कक्षा 12वीं का जो जीव विज्ञान का ब्लू प्रिंट है इस पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम डाला है जो कि आपको मोटिवेट करने वाला है, मैंने पहले ही कहा और सारे लोग ही ये सारी चीजें कहते हैं कि हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, हार्ड वर्क सभी करते हैं, लेकिन क्या सभी को वो सफलताएं जो मिल जाती है क्या नहीं मिलती। हार्ड वर्क तो हर कोई करता है, मैं भी करती हूँ आप भी करते हो हर कोई करता है, लेकिन हम क्या करें, हम सबसे पहली बात है कि हार्ड वर्क तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ आपको स्मार्ट स्टडी की जरूरत है। कब जरूरत होती है, जब आपके पास समय कम होता है। तो चलिए भाई इसलिए हम इसके मोटिवेट होते हैं और आगे हम एक महीने में किस तरीके से तैयारी करेंगे इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे एग्जाम सीरीज मिशन 2023, हमारा ये एप्लीकेशन है एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं जीव विज्ञान, हमको पता है कक्षा 12वीं जीव विज्ञान में टोटल अध्याय कितना बच्चों, 16 है, टोटल अध्याय कितना है 16 है, ठीक है। और उसमें हमारे है यूनिट 5, मतलब 5 यूनिट है आपके 1 2 3 4 5
5 यूनिट है आपके और अध्याय आपके 16 है। अब अध्याय 16 टोटल जो अध्याय है जिसमें से सबसे ज्यादा आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमको ब्लूप्रिंट देखना पड़ेगा कि ब्लूप्रिंट में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले उन पांचों यूनिट की हम बात करेंगे, इकाई 5 के बारे में। तो इकाई 5 में 5 यहां पर यूनिट है, जिसमें पहले यूनिट में आपको कितने अध्याय दिखाई दे रहे हैं, 4 अध्याय दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से जीवों में जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य, पूरे के पूरे जो यूनिट है आपके जनन पर होने वाले हैं। और जनन पर होने वाला है इसका मतलब ये है कि आपको यहां से 5 नंबर के क्वेश्चन यानी कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेगा। तो इस यूनिट को इतने बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना है कि आपको कहीं से भी क्वेश्चन है छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। आपका सेकेंड यूनिट है अनुवांशिकी एवं विकास। अनुवांशिकी एवं विकास में आते हैं आपके 3 अध्याय आते हैं, जिसमें से पहला अध्याय जो आएगा वंशगति के सिद्धांत एवं विविधता के बारे में चर्चा करेंगे, वंशगति का आणविक आधार, तीसरा है विकास। ठीक है, विकास ये चैप्टर अभी पिछले 2 साल से कट चुका था लेकिन इस बार आपके आने वाले हैं तो इस पे भी हम फोकस करेंगे। तो आपको इसको डरने की बात नहीं है भाई, 2 साल से हमने पढ़ा नहीं, क्या है कैसा है सारी चीजें मैं यहाँ पर डिटेल आपको करने वाली हूँ। नेक्स्ट है आपका तीसरा ये यूनिट है जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण। तो जीव विज्ञान और मानव कल्याण, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने पड़ेगा पूरा रोग के बारे में, यानी कि आपका चैप्टर 8 है मानव स्वास्थ्य तथा रोग के बारे में, एंड चैप्टर 9 है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति के बारे में पढ़ेंगे, और आपका नेक्स्ट है आपका मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यानी कि 3 चैप्टर है इस यूनिट में। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट 4 में, जिसमें से आपको यूनिट 4 में मिलेगा जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग में 2 अध्याय आपको देखने को मिलते जाएगा, जिसमें से पहला है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम और जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग के बारे में। और 5वां जो लास्ट यूनिट है पारिस्थितिक पर्यावरण से रिलेटेड है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो पारिस्थितिकी विज्ञान एवं पर्यावरण से रिलेटेड यहाँ से आपको क्वेश्चन दिखाई देने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें 4 यूनिट है जिसमें से 4 अध्याय है, जिसमें से आप पढ़ेंगे जीव और समष्टियों के बारे में 13 अध्याय है, पारितंत्र 14 है, और जैव विविधता एवं संरक्षण 15वां अध्याय और 16 है पर्यावरण के मुद्दे। बहुत इजी चैप्टर, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है मेरे हिसाब से, तो पहला और मुझे जनन वाले चैप्टर, ये 2 चैप्टर बहुत मजे आते हैं पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, आप लोगों को भी मजा आएगा मेरे साथ पढ़ते रहेंगे। तो अब आते हैं हम आपके 12वीं के, कक्षा 12वीं का जो ब्लूप्रिंट है उस पे हम बात करेंगे। 70 नंबर का क्वेश्चन है, पहले के टाइम का वो गया जमाना जब हम पढ़ते थे 75 मार्क्स में। ठीक है, लेकिन अब आ गया है, आपको दिखाई देगा ब्लूप्रिंट जो है कितने मार्क्स के, 70 मार्क्स के आने वाले हैं। तो 70 मार्क्स है, 3 घंटे आपको टाइम टेबल मिलने वाले हैं, तो 3 घंटे में भाई 15 मिनट तो आप निकाल के रख दीजिए। 15 मिनट क्या है, आपको लाइनिंग वाइनिंग दुनियादारी खींचने पड़ते हैं तो उसको हटा के रखिए, तो 3 घंटे में आपके 15 मिनट को हटा के जितने भी आपके टाइमिंग बचते हो उसको आप चर्चा करोगे पढ़ाई के लिए, लिखने के लिए। ठीक है, तो ब्लू प्रिंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं, क्रमांक हो गया आपके 5 हो गए यूनिट के लिए, और इकाई ये विषय वस्तु दी है, अंकों का अधिभार दे दिया कि कितने कितने मार्क्स के होने वाले हैं, अति लघुत्तरी प्रश्न आएंगे, लघुत्तरी प्रश्न और लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पहले यूनिट के जनन के बारे में। तो पहला यूनिट है आपका जनन, तो यहाँ पर देखेंगे जो जनन यूनिट है, ठीक है, जो जनन यूनिट है इस आपको मैंने कहा था ना, एक यूनिट है जनन जिसमें से 4 चैप्टर है और 14 नंबर के यहाँ पर आने वाले हैं, मतलब अंकों कितना है 14, तो बहुत ज्यादा नंबर है, 14 अंक बहुत होते हैं, तो 4 चैप्टर से 14 अंक है ना आपका आता है। इस 14 अंक में आपको कितने कितने मार्क्स में 14 मिलने वाले हैं, देखिए एक नंबर के यानी कि एक अंक के आपके एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, 2 अंक के एक अंक के एक प्रश्न, ठीक है, एक अंक के एक प्रश्न पूछा जाएगा। वही 2 अंक वाले की बात करें तो 2 अंक के एक प्रश्न यहां पर पूछा गया है, वही 3 अंकों की बात करें तो 3 अंक के 2 प्रश्न पूछा गया है, 4 अंक के कोई अंक यहां पर नहीं है, 4 अंक वाले आएंगे ही नहीं यहां पर। सीधे आते हैं हम 5 अंक की बात करते हैं, तो 5 अंक के एक प्रश्न आने वाले हैं, तो टोटल आपके हो गए 14 अंक के क्वेश्चन, यानी कि आपको फोकस करना पड़ेगा इस यूनिट में क्योंकि यहां पर आपको ये बहुत ज्यादा ध्यान देना है 5 अंकों को। ठीक है, 5 अंक आपके छूटने नहीं चाहिए, तो 5 अंक, 3 अंक के 2-2 क्वेश्चन है,
ऐसे में करके टोटल हो गए आपके 14 अंक के। नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट यूनिट है अनुवांशिकी तथा विकास के बारे में है, और इसमें आपके बहुत ही ज्यादा आपके नंबर है, इसमें 18 मार्क्स यानी कि 18 नंबर है। सोच लो भाई, तो 18 नंबर भाई मेरे से तो छूटने से रहा, क्योंकि ये तो मेरे दिगर का टुकड़ा होने वाला है, तो भाई 18 मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे, किसी भी हालत से छूटने नहीं चाहिए एक भी नंबर, ठीक है। तो 18 नंबर में एक अंक के एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। उसी लघुत्तरी सेकंड की बात करें तो फिर 2 अंक के यहाँ पर 2 प्रश्न आने वाले हैं। उसी तरह अगर मैं लघुत्तरी की बात करूं, 3 अंक वाले 3 प्रश्न आने वाले हैं। समझ रहे हो आप लोग, 3 अंक के 3 प्रश्न आएंगे, मतलब 3 से सीधा 9 नंबर यहीं से, ठीक है। वही 2 नंबर के यहाँ पर 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि 2 4 यहीं पर हो गए। और उसी तरह 4 अंक की बात करें तो यहाँ पर 4 अंक के एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाले। और 5 अंक की बात करें तो भाई साहब यहाँ पर आ गया हमारा दादाजी, ठीक है, मतलब हमारे दादाजी यहाँ पर आ गए, एक मतलब एक आपके 5 क्वेश्चन आने, 5 नंबर के क्वेश्चन आने ही वाले हैं। तो टोटल हमारे हो गए 18 मार्क्स, यानी कि 18 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। तो भाई ये दोनों तो हमारे परमात्मा देव है, तो ये दोनों को आपको नहीं छोड़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फिर आते हैं मानव कल्याण एवं जीव में आते हैं, तो यहाँ पर से आएंगे ये 14 मार्क्स के क्वेश्चन। ऐसे तो ये पूरे ही हमारे लिए भगवान से बढ़कर हो गए हैं, क्योंकि एग्जाम्स आ गए और एग्जाम से हमको थोड़ा सा घबराहट फील होता है, लेकिन आपको डरने की बात नहीं, आप मेरे साथ बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब संभाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर 14 अंक की बात करते हैं, तो 14 एक अंक के एक प्रश्न आएंगे, 2 अंक के एक प्रश्न आएंगे और 3 अंक वाले 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहीं पर 4 अंक की बात करें तो 4 अंक के कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर हम 5 अंक की बात करें तो 5 अंक के फिर से एक क्वेश्चन आने वाले, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये 3 ही यूनिट से 5-5 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो टोटल मार्क्स हो गए आपके 14 अंक, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं चौथा आपका यूनिट है जॉब प्रौद्योगिकी, तो यहाँ से आपके भाई साहब 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, मैं सॉरी 10 नंबर आने वाले हैं। तो 10 नंबर कहाँ से, एक अंक वाले एक प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं, 2 अंक के एक प्रश्न आने वाले हैं, 3 अंक के एक प्रश्न वाले हैं, लेकिन यहाँ पर 4 अंक के भी एक प्रश्न आने वाले। ये मैं बहुत अच्छे तरीके से बताने वाली हूँ आप लोगों को, 4 अंक कैसे आएंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ने वाले हो मेरे साथ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 5 मार्क्स, तो यहाँ पर कोई भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, सीधे आप देख लिए टोटल 10 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लास्ट यूनिट है आपका पारिस्थितिकी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो 14 मार्क्स के यहाँ पर, यानी कि 14 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं आपको, 14 अंक है यहाँ पर, एक अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक के कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, 3 अंक की बात करें तो 4 प्रश्न सीधे 3 अंक के आने वाले हैं, ठीक है। 3 अंक के 4 प्रश्न आएंगे, 4 अंक के कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाले और 5 अंक के कोई भी क्वेश्चन नहीं आने। तो इस तरीके से टोटल हो गए आपके 14, यानी कि 14 अंक के हो गए यहाँ पर। तो चलिए भाई, अब टोटल अगर हम देखें तो 14, 18, 14, 10, 14, 70 टोटल आपके अंक हैं 70। और देखिए सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अनुवांशिकी तथा विकास से 18 नंबर के क्वेश्चन आने वाले, मतलब 18 अंक के क्वेश्चन। तो आपको इसको हालांकि सभी को अच्छे से पढ़ना है, लेकिन 18 नंबर को एकदम ध्यान देना, क्योंकि ज्यादा मार्क्स यहाँ से आने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके 70। तो यहाँ पर अगर मैं एक एक अंक की बात करूं तो एक एक अंक के 5 प्रश्न आते हैं, 2-2 अंक की बात करूं तो 10 प्रश्न आते हैं, मतलब 5 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के। उसी तरह 3 अंक की बात करूं तो 12 प्रश्न आएंगे 36 नंबर के। उसी तरह 4 नंबर की बात करूं तो 1 प्रश्न आते हैं 4 नंबर के। उसी तरह 5 अंक की बात करूं तो 3 प्रश्न 5 नंबर के आने वाले हैं आपके 15, यानी कि टोटल अगर मैं बात करूं तो 26 प्रश्न होते हैं और 70 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, मतलब 70 अंक के क्वेश्चन है और 26 आपके प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने मेरे साथ देखा कि ब्लूप्रिंट हमारा एक आधार होता है, तो भाई साहब आप लोग अच्छे से इसको पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट देखना बहुत ही आवश्यक था। तो भाई आप अगर हमारे साथ अभिषेक टीम से जुड़ते हैं तो आप यहाँ पर क्या क्या चीजें पाने वाले हैं, तो आप यहाँ पर पाएंगे पीडीएफ भी आपको पाएंगे,
माइंड मैप आपको देखने को मिलेगा, वैकल्पिक क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं वो भी आप देखोगे, व्याख्यात्मक अभ्यास प्रश्न भी देखोगे कि भाई थ्योरी वाले क्वेश्चन जो आते हैं वो कैसे आते हैं। नेक्स्ट व्यक्तिगत मार्गदर्शन लोगे, हर टीचर से एक मार्गदर्शन मिलेगा आप लोगों को। शंका समाधान, आपको अगर कोई भी टॉपिक से कोई भी शंका है या फिर करियर से रिलेटेड कोई शंका है तो भी आपको यहाँ पर सीधे ही लाइव क्लासेस से आकर जुड़कर भी सारे समाधान आपके ठीक हो जाएंगे। तो ये है हमारा आपका जो है अभिप्सा एक एप्लीकेशन है। तो अभिप्सा एप्लीकेशन में आपको और क्या की चीजें मिलेगी, तो ये सारे हमारे एक एप्लीकेशन के जरिए आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि आपको हमारे वेबसाइट में www.abhipsa.in पर जाकर के ओपन करोगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आप हमारे साथ जुड़ सकते हो या फिर गूगल प्ले पर जाकर भी अभिप्सा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, सारी चीजें वहां पर उपलब्ध है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, तब तक लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।